हाय फ्रेंड्स, आज बताने वाला हूँ कि ये मल्टी स्पैन का पीआईडी मीटर है। पीआईडी मीटर कैसे यूज करते हैं उसका फंक्शन कनेक्शन बता रहा हूँ। ये पूरा बॉक्स पैक है और इसका प्राइस है 1755 रुपये। ये बॉक्स की एमआरपी है 1755 रुपये। ये पीआईडी मीटर है। ये ऐसा फिट होगा उधर, ये खुल जाएगा, ये निकल जाएगा बाहर। तो अभी देख रहे हैं, पहले इसमें क्या पावर सप्लाई आएगा, फेस और न्यूट्रल। इसमें पावर सप्लाई है, इधर लिखा है 100 से लेकर 270 तक दे सकते हो। ये आता है एनसी है, ये कॉमन है, ये एनओ है। अगर आपको इसके थ्रू कोई कॉन्टेक्टर ऑन कराना है, जैसे इसका टेम्परेचर क्या है, किसी भी आप टेम्परेचर सेट किया हो 50 पे 50, अगर प्लस होता है मतलब कोई कॉन्टेक्टर के थ्रू कोई ब्लोअर चालू करना फैन, तो एक वायर इसमें देंगे, कॉमन में देंगे, और एक एनओ में देंगे, कॉन्टेक्टर का रहेगा, कोयल का वायर एनओ में आएगा। तो क्या मतलब 50 के प्लस जाएगा टेम्परेचर तो कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा, उसके थ्रू आप कुछ फैन वैन कनेक्ट रहेगा तो ऑन हो जाएगा, वो चालू हो जाएगा। ये उसके लिए आता है। और भी जैसे जैसे अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसके हिसाब से ये काम करता है। उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, जिसका अलग अलग रहता है, बहुत सारे यूज करते हैं बहुत तरीके से। इधर सेंसर आता है, थर्मोकपल का सेंसर है, टेम्परेचर जो टेम्परेचर सेंस करता है उसका है। ये सेंसर लिखा है ना, सेंसर का वायर रहेगा आपका, इसमें आएगा। ये रेंज है, टेम्परेचर का रेंज है। इधर आप कितना भी सेट कर सकते हो। ये इसका सीरियल नंबर है। ये सेट करने का रहता है टेम्परेचर, मैं दूसरा वीडियो को आएगा उसमें बताऊंगा आपको सेट करके कैसा प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसा सेट करते हैं इसका टेम्परेचर। तो ये फिलहाल पीआईडी मीटर था। पीआईडी टेम्परेचर कैसा होता है आप देख लीजिए। थैंक यू।